कैसे हो? तो जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं पहले एक नेटवर्क इंजीनियर था। नाइट शिफ्ट थी पूरी टाइम और काम भी ठीक ठाक था, पर मैंने बहुत एफर्ट्स किए उस डोमेन से दूर जाने के, और आज मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से AI और मशीन लर्निंग में मास्टर्स कर रहा हूँ। तो अगर आप इन तीन सिचुएशंस में हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। पहली, यार मुझे डेटा साइंटिस्ट ही बनना है, मशीन लर्निंग करनी है, डीप लर्निंग करनी है और उसी में जॉब करनी है बस। दूसरी, यार मैं अपनी जॉब से, अपने काम से और अपने मैनेजर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे फटाफट दूसरे डोमेन में जॉब लेनी है। तीसरा, यार अपन को तो कुछ नहीं पता कि लाइफ में क्या करना है, कोई बता दे कुछ तो हम कर लेंगे। तो पहला स्टेप है कि आप पहले अपना गोल डिसाइड करो कि आपको करना क्या है एक्चुअली। अब ये बहुत बड़ी टास्क है, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है कि आपको क्या करना है। तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये आप मान के चलो कि आप पैशन अगर फॉलो करोगे ना, वो पैशन भी एक दिन बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो जॉब तो होनी है थोड़ी बोरिंग टाइप्स, थोड़ी डिफ़िकल्ट, पर अब वो चीज़ देखो कि आपको आप क्या चीज़ लॉन्ग टर्म में घिस सकते हो, ठीक है। तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैं अब जब अपनी जॉब से परेशान था और जब मेरे पास कुछ फ्री टाइम होता था, जब मैं कैब में जा रहा हूँ सुबह को या रात को जा रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लेता था कुछ भी। तो एक टाइम मैंने यूट्यूब पे AI की वीडियो देखी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत ज़्यादा साईफाई लग रहा था यार, बिल्कुल ये ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो अंदर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि यार ये मैजिक तो है नहीं, तो ये कैसे हो रहा है कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, और मुझे स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने वो एक इंटरेस्ट देखा, और मैंने फिर ये भी देखा कि आगे 10 साल या 15 साल में AI की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो मैंने अपने फ्यूचर की फीसिबिलिटी देखी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि कितनी सारी जॉब्स हैं मार्केट में, और फाइनली जो होता है ना लेटेस्ट टेक्निक, कोई पुरानी चीज़ नहीं है, नई चीज़। तो ये चीज़ें थी, प्लस इंटरेस्ट भी आपको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसके भी मेट्रिक सिमिलर हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, उसका भी बूम आने वाला है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो आप ये भी देख सकते हैं, मैंने भी ये कंसिडर किया था। तो आप ऐसे डिसाइड करिए कि क्या चीज़ आपको बेटर लग रही है, या फिर आपको सिर्फ एनालिस्ट ही बनना है तो आपको डेटा एनालिसिस की वीडियो देखनी चाहिए स्टार्टिंग की, कि क्या है, कैसे रहता है, क्या काम करते हैं एक डेटा एनालिस्ट, ठीक है ना। ऐसा आप स्टार्ट करें, एक बार आपको एक ओवरऑल डोमेन मिल गया कि क्या इस चीज़ में जाना है, तब आप आगे नैरो डाउन कर सकते हैं कैसे। तो एक बार डिसाइड करने के बाद मैंने जैसे अपना डिसाइड कर लिया कि मुझे मशीन लर्निंग और AI करना है, तो नेक्स्ट स्टेप जो मैंने किया वो मैंने ये देखा कि कितना डिफिकल्ट है, क्या जॉब है, क्या एक्चुअली काम है, अपनी औकात भी है करने की इतना सच में ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटी पता होती है। मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता है कि मेरी कहाँ तक है, कहाँ तक मेरा दिमाग चलता है, और शायद आपको भी इतना आइडिया होगा। तो वो आप फीजिबिलिटी देखें कि आप ये कर भी पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, वैसे मैंने तब देखी थी वीडियो कि यार मशीन लर्निंग कितना डिफ़िकल्ट है, हाउ टफ इज़ इट, कितना टाइम लगता है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, या आपको जॉब मिल जाए उतने रिस्पेक्टेबल सिलेबस करने के लिए। तो मुझे वो लगा कि मैं कर सकता हूँ कितना। तो ये आप देखें, हर आपको जो भी इंटरेस्ट है उस चीज़ में, ठीक है। तो इससे मुझे फुल मोटिवेशन मिल गया था कि अब मैं करूँगा। तो फिर अब मैं जॉब करता था, तो फिर मैंने क्या किया, मैं नाइट शिफ्ट करके ऑफिस करके सुबह को घर नहीं जाता था, मैं ऑफिस में रह जाता था। अपने यहाँ सर्वर रूम था, वहाँ बिल्कुल ठंडा रहता था, स्लीपिंग बैग लेके अपना वहीं सो जाता था मैं, और उसके बाद दोपहर को अपना जिम में नहा लिए और लंच कर लिया, क्योंकि वो मिलता है अपना सुबह वाली जो शिफ्ट आती है उनके लिए। उसके बाद मैं पढ़ता था करीब 2 बजे से लेके मैं करीब 7-8 बजे तक पढ़ता था, मेरी शिफ्ट चालू होती 9:30 बजे। तो अब आती है तीसरी चीज़ कि अब पढ़ाई क्या करें। तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था हिट एंड ट्रायल में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। तो मैंने लिंडा ट्राई किया, प्लूरल साइट ट्राई किया, यूडेमी ट्राई किया, कोर्सेरा ट्राई किया, और कौन सा डेटा कैंप ट्राई किया। अब मैं बताता हूँ आपको ऑनलाइन कोर्सेज में क्या दिक्कत है। मान लो आपने फुल मोटिवेशन और डेडिकेशन से एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा और आप उसको करने बैठ गए। अब पहले टॉपिक के या दूसरे टॉपिक के बाद आपको असाइनमेंट मिलता है जिसका आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं। अब वो आंसर निकालना ज़रूरी नहीं है कि आपको वो निकाल के AI आएगी, लेकिन आप स्टक हो गए हैं वहाँ। तो आपको भले ही आंसर ज़रूर मिल जाएगा उसका, पर आप इंटरनली डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया, इसका मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन थी वो मैं नहीं कर पाया, मैंने आंसर देख के किया। और हो सकता है ये आप बहुत बहुत बार करें पूरे ऑनलाइन कोर्स में,
और फिर आपको लगेगा कि यार मैं एक्चुअली आंसर्स कॉपी करके कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट मुझे मिल रहा है, जो कि आपको पता है अंदर से कि यार यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट, क्योंकि आपने एक्चुअली सॉल्व नहीं किया। तो ये आपका मोटिवेशन ना बहुत नीचे कर देता है, और मेरा बहुत बार हुआ था ऐसे, इसलिए मैंने ऑनलाइन कोर्स बंद कर दिया, मैंने नहीं किया ऑनलाइन कोर्स जो है। तो जितने भी थे डेटा कैंप वगैरह इन सब का जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, वो सब मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा टॉपिक लिया, टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा। सबसे पहले पाइथन, पाइथन का तो ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है, उसमें कोई ज़्यादा बहुत सारे हैं, आप वो कर सकते हैं कोई ज़्यादा। मैंने यूडेमी में लिया था एक मेगा प्रोजेक्ट वाला, वो भी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ 5 या 6 प्रोजेक्ट बनाए थे मैंने। तो बाद में यही बात आ जाती है कि आप टॉपिक उठाओ, टॉपिक, और मैं नहीं कह रहा कि आप भाई खतरनाक कैलकुलेशन सॉल्व करो, खतरनाक कोड लिखो, टॉपिक उठाओ और जो आप पढ़ रहे हैं, मान लो आपने आज कोई सा भी टॉपिक, कोई भी मॉडल ले लिया, मान लो लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग आपने पढ़ी, वो टॉपिक पढ़ा आपने, वो पढ़ लिया, अब आप उसका एक ट्यूटोरियल देखो जहाँ पे एग्जांपल दिया हो कोड का, आप वो वाली वीडियो निकालो, जब आपने थ्योरी पढ़ ली हो आप वो वाली वीडियो निकालो, और फिर उस बंदे को देखो वो क्या कोड कर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा बताएगा भी, आप रिलेट भी कर पाएंगे। आप आँख बंद करके उस चीज़ को कॉपी करो, आँख खोल के, ठीक है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी करो उसका कोड कि, और फिर आप इसको करके देखो अपने कंप्यूटर में चलाओ, और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी थी वो कोड में कैसे दिखती है। तो आपके जब कोड चल जाए, अब ये मत सोचना कि आप बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये आपने कॉपी किया कहीं से। अब आप कैगल से सिमिलर डेटा सेट लो, सिमिलर टास्क लो, और वही चीज़ फिर से करो, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो आपका ऐसे, मैंने ऐसे किया था कि ये वाला हो गया 1 एल्गोरिथम डाउन, 10 मोर टू गो या 4 मोर टू गो ऐसे करके। तो मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया है और वो आपका प्रोजेक्ट है, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है, है ना, तो आप वो प्रोजेक्ट गिटहब पे डाल सकते हैं। अब वो ये मत देखो कि कितना सिंपल था या कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, ये आपका काम है, आप ये शोकेस कर सकते हैं, तो आपकी गिटहब प्रोफाइल होना ज़रूरी है। तो यही एक तरीका है, आप पहले थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल करो, किसी का कॉपी करो, किसी को कॉपी करके ही आप प्रैक्टिकल करो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो, और उसके बाद आप अपना बना सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा रेफरेंस देना चाहूँगा, कृष्णा एप, उनकी बहुत अच्छी वीडियोस हैं, मैंने बहुत फॉलो करी हैं उनकी वीडियोस, और आजकल मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जॉब हंटिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा टाइम कहीं और जा रहा है, पर ही इज़ अ रियली नाइस गाय, आप वो फॉलो करें, उनके पास बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ पे वीडियो एंड है, और कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालना। आई एम वेरी सॉरी टू दोज हु हैव कॉन्टेक्टेड मी ओवर ईमेल एंड लिंक्डइन, आई कैन नॉट गिव यू पर्सनल गाइडेंस। ये वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसको अभी एडिट करना है, इट जस्ट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। अनसब्सक्राइब मत कर देना यार, अब ये नफरत मत निकाल देना, ये भी रिवेंज मत ले लेना मुझसे अनसब्सक्राइब करके पर चलो ठीक है, देख लेना जो मन करे कर लो। चलो फिर, ओके बाय।